क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30 30 30 30 अब उन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपुन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपुन को उंगली दे रहा है? कभी इसका आई, कभी अपुन का छावी को उंगली दे रहा है? अपुन क्या हिजड़ा है क्या? इधर बैठकर गाएगा? आइयो बल्ली। ये तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सर के और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं। ये लो साइन करो, खत्म करो। इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है रोहिणी। आई एम सॉरी। सॉरी और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है, चार चार दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है। कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे? वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटका कर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का बलात्कार करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रोहिणी घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कम जावेद मियां, शादी का खर्चा पूरा हुआ नहीं कि डिवोर्स का खर्चा सर पे आ गया? अम्मा यार, शादी तो हर चीज को आपस में बांटने का नाम है। आप तो बात करते ही नहीं। क्या बात करूं? क्या बात करूं? मैं तो कहता हूं सारा फॉल्ट तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का, इस पुलिस की नौकरी का है। डैम इट, खान साहब के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? उनकी हालत देखी आपने? मैं तो कहता हूं सारे डिपार्टमेंट को मिलकर एक डिवोर्स लॉयर रखना चाहिए ताकि ग्रुप डिस्काउंट्स तो मिले, होलसेल का भाव तो मिले। तौबा तौबा, ऐसी अहम खाना बातें मत किया कीजिए, पता नहीं अल्लाह ताला कब किस दुआ को कबूल कर ले। आप किस पकाओ भाषा में बात करते हैं यार, आपको हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी जी, हिंदी हमारे संस्कारों का संग्रह है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, किंतु धिक्कार है हमारे इस मातृभाषा के खिचड़ीकरण पर जो हमारे सभ्यता के ओझल होते चरित्र पर एक घातक टिप्पणी है। जी। टिप्पणी पकाते यार आप भी। हेलो, हाँ चलिए 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 चलिए, बुआ का पता चल गया, चलिए।
105। फिर ऐसा बोलना। पुलिस कटी चल। किसी भी पुलिस ऑपरेशन का पहला रूल है बैकअप, और तुम लोग अकेले गए, अपने आप को हीरो समझते हो? जावेद भाई मेरे साथ गए थे, वो एग्जिट पे खड़े थे कि अगर वो भागे तो पकड़ लेंगे। तो पकड़ा? जी नहीं। ये हमारी पुलिस फोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स, गॉड हेल्प अस ऑल। नहीं रुक, तू नहीं रुक। नहीं डैड, मुझे आना है। क्यों आना है यार? वधवानी आओ सेठ, आओ आजा आजा, डरो मत, आओ आजा, तू भी आजा। क्या रे भाई के भड़े, डब्बे में नोट लाया कि इसमें से भी भाई निकलेगा। चल फर्नीचर हटा, बैग दे, ये डबलिंग पैसा दे। कितना है रे? अबे कितना है बे? 30-30। तेरी माँ की, तेरे को 70 पेटी बोला था ना, 30 का ही को लाया। नहीं, इतना अरेंजमेंट नहीं हो सका, मैं कल तक करता हूँ। नहीं, अभी बोला तो अभीच जा, बाकी का रोकड़ा लेके आ, और फिर ये हाथी को इधर से लेके जा। नहीं प्लीज, ऐसा ऐसा मत करो, मैंने पैसा तो दिया है, आधा तो दिया है। तिचम्मा इला, तो फिर आधा बेटा लेके जा। तू क्या काटू? मैं प्रॉमिस, कुछ घंटों में लाके देता हूँ पैसा, मैं लाके देता हूँ बेटा। क्या पैसा लेके आ? मैं भी आया। चले चल आती, चल इधर भाई, ए जगह बना रे साथी के लिए। ए नीचे बैठ, ए चल बैठ, ले बैठ नीचे।